हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे और एक फ्रेश वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे पत्ते से ग्रो किया गया स्नेक प्लांट को कैसे पॉट में शिफ्ट किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स देख रहे हैं, ये मेरा दो पौधा है, इस दोनों को मैंने दिखाया था पिछले वीडियो में। तो अगर आप चाहते हो उस वीडियो को देखें कि कैसे पत्ते से नए प्लांट्स तैयार किया जाता है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, आपको आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, तो चलिए दिखाते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने दो पॉट चॉइस किया है। फ्रेंड्स, ये दोनों पॉट मैंने अपने घर पे तैयार किया है अपने हाथों से। तो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कैसे तैयार किया गया, नहीं तो नीचे कमेंट कीजिए, तो मैं आगे वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए, तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, मिट्टी लेंगे और उसके बाद मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है, चलिए दिखाते हैं आपको पूरा। तो फ्रेंड्स, अभी हम दिखाते हैं आपको, चलिए उसको हटा लेते हैं, पूरा मिट्टी को तैयार करके आपको दिखाते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कैसे लगाया जाता है, क्योंकि मिट्टी भी बहुत सारे लोगों के लिए एक चीज़ है, जानने की चीज़ है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लेंगे कि देख सकते हैं, ये है कोकोपीट है, मैंने कोकोपीट ले लिया। उसके बाद इस गमले के अंदर है मेरा कंपोस्ट है, देख सकते हैं थोड़ा सा बालू है। तो फ्रेंड्स, इसको रेत कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, मैंने उसको हाथों से कंपोस्ट है, पूरा कंपोस्ट फूल देख सकते हैं आप, उसका कलर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, पूरा ब्लैक हो चुका है, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। एक कंपोस्ट आपको बाजार में भी मिल जाएगा ख़रीदने पे, मुझे 15 रुपये किलो आया है। तो फ्रेंड्स, ये है पत्तों का कंपोस्ट है। तो फ्रेंड्स, मैं उसको ले रहा हूँ 60%, ये है 60%, ये है बालू है 10%, और मैं उसके अंदर डाल रहा हूँ कोकोपीट जो है 30%। तो फ्रेंड्स, उसको अच्छी तरह से मैं मिला दूँगा, आप चाहे तो हाथों से मिला सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स आप चाहे तो किसी और चीज़ का भी हेल्प ले सकते हैं। तो मैं पूरा मिक्स कर देता हूँ फ्रेंड्स, पूरा अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ही आप उसको लगाए कि फ्रेंड्स, नहीं तो आपको परेशानी होंगी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर देखेंगे कि आपको किसी घर के अंदर अगर आप मोबाइल पे भी देखेंगे, प्लांट्स बहुत अच्छा देखा जाता है, तो उसके लिए मिट्टी भी बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन अगर हम घर पे ट्राई करते हैं तो देखेंगे कि उस तरह से नहीं बनता। तो फ्रेंड्स, उसमें सब मिट्टी का खेल होता है और फर्टिलाइज़र का खेल होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, मिट्टी की अच्छी तरह से तैयार करें फ्रेंड्स। मिट्टी अगर अच्छी तरह से तैयार होगा तो प्लांट्स भी अच्छी तरह से ग्रो होंगे। अगर मिट्टी सही तरह से ग्रो अच्छा नहीं होगा, मिक्सचर अच्छा नहीं होगा, तो फ्रेंड्स प्लांट्स भी अच्छा नहीं होगा। जिस तरह से मिट्टी पौधे के लिए ज़रूरी होता है, उस तरह से मिट्टी को मिक्सचर बनाना भी उतना ही अच्छा ज़रूरत होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, पूरा ऑलमोस्ट मेरा तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको साइड में करके उसके बाद पॉट के अंदर प्लांट्स को लगाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए दिखाते हैं।
तो फ्रेंड्स अब हमारा बारी है उसको पानी देने का। तो हमने ले लिया है ग्लास, ग्लास के अंदर पानी है। तो फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से पानी दें क्योंकि उसके नीचे से कोई ड्रेनेज होल नहीं है फ्रेंड्स। तो इसलिए क्या करें आप अपनी समझ के जितना हो सके जितना चाहिए उसको उतना ही उसके अंदर पानी दें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं धीरे धीरे से साइड से दे देता हूँ, मैं ज़्यादा पानी नहीं देने वाला क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत हार्डी प्लांट्स है। एक के लिए इतना ही और दूसरे के लिए उसमें कुछ ज़्यादा चाहिए होगा। तो फ्रेंड्स अगले 2-3 दिन के लिए मुझे और पानी नहीं देना होगा, मैं और पानी नहीं देने वाला। मुझे लगता है फ्रेंड्स हो गया है अभी, अगर आप देख पा रहे होंगे तो पक्का मुझे हो गया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बनाने में बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है और बहुत परिश्रम का काम है ये। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। फ्रेंड्स आज के लिए इतने, बाय।